28 कि वो अपना सड़क छोड़ के बीच में डिवाइडर को क्रॉस करके एंड इट वाज कमिंग टुवर्ड्स अस. मेरे मैं था ड्राइवर के साथ बैठा, पीछे मेरे बच्चे थे एंड हमारी गाड़ी रुक गई. मतलब इतने हम स्लो थे कि वो रुक गई और वो आते आते डिवाइडर से उसने दो बंदे मारे दोनों और फिर आके सीधी हमारी गाड़ी में आके लगी. जो हमारा पुलिस का ट्रैफिक पुलिस का जो मोटो होता है उसमें एजुकेशन और अवेयरनेस का एक बड़ा कंपोनेंट है, तो ये उसी कैंपेन का हिस्सा है. जो एक पिक्चर होती है, इट इज़ नॉट ओनली अ पिक्चर, वो एक जो पेंटर होता है उसकी एक आइडिया होता है जिसको वो ट्रांसलेट करता है विद हिज ब्रश, विद हिज पेंट और विद हर पेंट जो वो इस्तेमाल करते हैं, और बहुत आई कैचिंग मैसेजेस हैं. अगर हमारी स्पीड नॉर्मल होगी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो जाहिर सी बात है नुकसान ज़्यादा होगा. मैंने ये पैगाम दिया कि वाइल क्रॉसिंग द रोड यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग. मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ, ये जो फ्रेम है ये लाइफ बॉर्डर्स हैं, जब हम इनको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर एक्सीडेंट्स क्रिएट होते हैं. अभी रिसेंटली मैंने जो है ना बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो पोल्यूशन की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा थीम लाया जाए जिसकी वजह से लोगों को मैं बता सकूं कि जो पोल्यूशन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है. तो कन्वे किया गया कि हैप्पी लाइफ है एक साइड पर और एक साइड पर सैड लाइफ. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जुबैर शारिक. उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे. आज हम मौजूद हैं अलमरा आर्ट्स काउंसिल में, जहां पर सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के तवस्सुत से एग्जीबिशन मुनक्किद करवाया जा रहा है जिसका नाम रोड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवेयरनेस है. यहां पर यूथ को एंगेज किया गया है कि यूथ पेंटिंग के ज़रिए जो है वो पब्लिक को मैसेज कन्वे करे कि किस तरह से आपने जो है रोड पर जो अपना व्हीकल चलाना है और किस बेहतरीन अंदाज से आप खुद को बचा सकते हैं. और इस एग्जीबिशन की क्यादत जो है वो आईजी पंजाब इनाम गनी साहब कर रहे हैं. आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इस एग्जीबिशन में क्या क्या हो रहा है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سی سی پی او لاہور، پولیس افسران، کیپٹن حماد، الحمرا ایگزیکٹو آفیسرز آفیسر اینڈ دا اسٹاف، سیکرٹری انوائرمنٹ، پارٹیسپینٹس، میڈیا، بہت زیادہ خوشی کا دن ہے آج میرے لیے. یہاں پر آ کے مجھے بے تحاشا خوشی ہوئی ہے جس طریقے سے لاہور پولیس نے، لاہور ٹریفک پولیس نے اور الحمرا آرٹس کانسل نے اس کو، اس چیز کو لے کے چلیں، اس بات کو، اس کاز کو لے کے چلیں، اور جس طریقے سے بچوں نے پارٹیسپیشن بھی کی. جب مجھے حماد نے کہا تو آئی واز آلسو اپریہنسو کہ جی اسکولس کالجز بند ہیں، کس طریقے سے یہ کریں گے، کس طریقے سے ریچ آؤٹ کریں گے، بٹ جس طریقے سے کیا گیا ہے ایکسلنٹ جاب. میں نے پینٹنگس دیکھیں رائٹ فرام دا بگننگ، بچوں سے بھی میں ملا. جو خیالات ہیں، جو سوچ ہے، اصل میں ہر پینٹنگ کے پیچھے کریٹو سوچ ہوتی ہے اینڈ دیٹ از مور امپورٹنٹ. وننگ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، پارٹیسپیشن اینڈ ہیونگ سم تھنگ ان یور مائنڈ از مور امپورٹنٹ، جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے اور آپ کے وساطت سے یہ آگے چلے گا. میں یہ جب ایکسیڈنٹس وغیرہ دیکھتا ہوں، ایوری مارننگ وین آئی گیٹ اپ اور منہ ہاتھ دھونے سے لے کے اور شیو کرنے تک، وین آئی لک ایٹ دا بمپ ان مائی، یہ جو ہے نا ماتھے پہ، آئی ریممبر دا ایکسیڈنٹ. میں ڈی پی او تھا سم ویئر اینڈ میں آ رہا تھا اسلام آباد فار اے میٹنگ. ڈبل روڈ سڑک کے اس سائڈ، ہم اس سائڈ سے جا رہے ہیں اسلام آباد، دوسرے سائڈ پہ ٹریفک چل رہی، اینڈ سڈنلی وی سا اے ہائس کہ وہ اپنا سڑک چھوڑ کے بیچ میں ڈیوائڈر کو کراس کر کے اینڈ اٹ واز کمنگ ٹوورڈس اس. میرے میں تھا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا، پیچھے میرے بچے تھے اینڈ ہماری گاڑی رک گئی. مطلب اتنے ہم سلو تھے کہ وہ رک گئی اور وہ آتے آتے ڈیوائڈر سے اس نے دو بندے مارے دونوں اور پھر آ کے سیدھی ہماری گاڑی میں آ کے لگی. وہ آج بھی جب وہ منظر میرے ذہن میں، اٹ واز آج سے میرے خیال میں کم سے کم 20-25 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج بھی اٹ ہانٹس می.
अभी भी जब मैं सोचता हूँ क्या हुआ था, क्या हो सकता था। अवेयरनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, लोगों को पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए। मैं तो ये जो तस्वीरें देख के एंड द डेड बॉडीज ऑन द रोड्स, ये अब बच्चों के जहन में है, मतलब इससे भी इंसान को परेशानी होती है कि व्हेन दे लुक एट द रोड दे सी डेड बॉडीज ऑन द रोड्स। सारे पंजाब में आपको हैरानगी होगी, हम जब फिगर्स की बात करते हैं सड़कों पे, जो शहरों में सड़कें हैं उस पे फिर भी कम एक्सीडेंट्स या कम फेटल एक्सीडेंट्स हैं, जो हमारी बाहर की सड़कें हैं, जो हम समझते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत कम ट्रैफिक है। एंड उमर वुड बेयर मी आउट, ये हमारे साउथ पंजाब में या उसमें जो रूरल सड़कें हैं वो वहाँ पर जिस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने लोग, एंड नोबडी इज़ बॉदर्ड। हम जब पता नहीं ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और स्टेयरिंग पकड़ते हैं तो हमारा जहन कहाँ चला जाता है। हम लोगों को थोड़ा सा जहन खोल के सोच के कि जी हम अल्टीमेट क्या नुकसान कर रहे हैं उस पर काम करना चाहिए, उस पर हमें करना चाहिए। स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं दे शुड वर्क हार्डर कि जी हम किस तरीके से इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर, इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, मेरे दिल के बड़े करीब है ये सारा कुछ। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने आज प्राइजेस लिए हैं, और उनको मैं ज़्यादा मुबारकबाद दे रहा हूँ जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। सर ये जो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने इतना खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है, सर ये आम आवाम के लिए कितना मददगार साबित हो सकता है? सर देखिए जी, बेसिकली जो हमारा पुलिस का ट्रैफिक पुलिस का जो मोटो होता है उसमें एजुकेशन और अवेयरनेस का एक बड़ा कंपोनेंट है। जी जी सर। तो ये उसी कंपेन का हिस्सा है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनके अवेयरनेस लाएँ, और उसके लिए सबसे बेहतरीन मीडियम या टूल जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं और उनके बच्चे हैं, ताकि जो यंग जनरेशन है उनको पता चले कि यहाँ पे ट्रैफिक के हमारे क्या चीज़ें हैं, क्या हैजर्ड्स हैं और किस तरह हम उनसे खबरदार रहते हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा लाउड मैसेज है कि बच्चों का मैसेज हम पेरेंट्स और सोसाइटी बड़ा पॉजिटिवली उसको लेती है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है ट्रैफिक पुलिस लाहौर के कैप्टन हमाद साहब की, और आई विश हिम वेल कि आइंदा भी इस तरह के इवेंट्स करवाते रहें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सैयद हमाद आबिद साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स रियली बीन एन ऑनर कि आप हमें अपना वक्त दे रहे हैं। सर सर मुझे ये बता दीजिए आप कि ये एग्जीबिशन जो मुनक़द हुआ है इसके पीछे सोच क्या थी, और ये कितने मराहल से गुजर के जो है ये आउटपुट बाहर आई है? जी हाँ, टू बी वेरी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट लगभग एक माह पहले मैं यहाँ पर एक मीटिंग अटेंड करने आया आर्ट्स काउंसिल में, तो वहाँ पे एक मेरी नज़र एक पेंटिंग पे गुजरी, वहीं से मेरा आइडिया आया। तो यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लाहौर आर्ट्स काउंसिल की, तो उनसे मैंने कहा कि क्यों ना हम एंगेज करें यूथ को और उनको हम इनवाइट करें कि वो पेंटिंग्स बनाएं और हमारे मैसेजेस दें विद रिगार्ड्स टू द रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से, एनवायरमेंटल सेफ्टी के हवाले से। तो मैंने उसका तस्करा आई जी साहब से किया, CCPO साहब से किया, तो उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। उन्होंने कहा गो अहेड, बहुत अच्छा आइडिया है, इसको आप करें। हमने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ किया, अपनी वेबसाइट पे हमने दिया, इंटरनेट के थ्रू हमने तशहीर की, और अल्हम्दुलिल्लाह इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोविड आजकल चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे 78 के करीब पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए। तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी लाहौर आर्ट्स काउंसिल की, तो इनकी जब हमारे पास पेंटिंग्स आ गई तो सर, उसको पेंटिंग्स का ही इंतखाब क्यों किया आपने? जी हाँ, पेंटिंग्स का जी, वैसे तो हमारे जो एजुकेशन विंग है, हमारे पैम्फलेट्स, हमारे ब्रोशर्स, सोशल मीडिया चीज़ वो चलता रहता है सर,
चूंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक आया हुआ था तो मुझे आया कि जो एक पिक्चर होती है इट इज़ नॉट ओनली अ पिक्चर राइट सर, वो एक जो पेंटर होता है उसकी एक आइडिया होता है जिसको वो ट्रांसलेट करता है विद हिज ब्रश विद हिज पेंट और विद हर पेंट जो वो इस्तेमाल करते हैं और बहुत आई कैचिंग मैसेजेस हैं। यहाँ पे आप देखें कि एक बच्ची जिसका फर्स्ट कैटेगरी में आई है रोड सेफ्टी के हवाले से, उसने एक थीम दिया है वो आप मैं आपको कहूँगा कि आप उसको कवर भी करें कि उसने सारे कॉफिन्स रोड पे रखे हुए हैं और ये बताया है कि हम लोग अगर इस तरह ही चलते रहेंगे और हम ट्रैफिक रूल्स का ख्याल नहीं करेंगे वील अल्टीमेटली एंड अप इन लूजिंग आवर लाइव्स। तो बहुत आई कैचिंग मैसेजेस थे और बहुत सारे यंग बच्चे बच्चियों में उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस दिए कि डोंट टेक्स्ट व्हाइल ड्राइविंग, उसको थीम बना के उन्होंने पेंटिंग्स बनाई तो बहुत अच्छी एफर्ट उन्होंने की। सर यूथ ही का इंतखाब क्यों किया आपने, कोई और भी कर सकता था? जी हाँ, ये जो यंग एज होती है जब एक इंसान मैच्योर हो जाता है जब बड़ी एज को पहुँच जाता है 40, 50 साल, 55 साल तो उस टाइम पर जाके हमारे रवैये तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है राइट। तो पूरी दुनिया में वेस्ट में जो सिविलाइज नेशंस हैं वहाँ पे ट्रैफिक एजुकेशन इज़ अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ द करिकुलम और यंग एज से उनको बताया जाता है। यहाँ पे आप देखें हमने एक कैटेगरी रखी थी 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास के बच्चे बच्चियों ने बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क यहाँ पे किया और उनको भी हमने कॉन्सोलेशन प्राइजेस दिए, उनको भी कैश रिवॉर्ड्स हमने दिए, कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स दिए। और दूसरा ये था कि हम यूथ को एंगेज करें और जो डर और खौफ एक हमारा ओवरऑल पुलिस का सोसाइटी में है एक सॉफ्ट इमेज भी हमारा जाए कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर सिर्फ डंडा लेके और एक जो एक कॉन्सेप्ट आता है हाई हैंडेडनेस का, ऐसी बात नहीं है। पंजाब पुलिस डस थिंक अबाउट सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग द लाइव्स एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजंस और हम लोग उसके लिए कोशिशें करते हैं और आईजी साहब का यहाँ पे आना एज अ चीफ गेस्ट और लोगों को खुद इनामात देना इस चीज़ का आकाश है कि हमारा बहुत ज़्यादा हमारी कमांड का फोकस है कि हम लोग रोड यूजर्स की जानों को महफूज बनाएं और लॉ अबाइडिंग उनको बनाएं। तो ये एक मेन मकसद है। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की एफर्ट्स अगर होती रहेंगी और यही यूथ है जो आगे जाके हमारे मुल्क का बागडोर संभालना है, बिल्कुल सर, इनके रवैये और इनके माइंडसेट्स उनकी हैबिट्स को हमने चेंज करना है तो ये बहुत अच्छा है। और ये इनके घर वालों को इनके सिबलिंग्स को सब में ये मैसेजेस गए हैं। ये अभी जब इसकी प्रोजेक्शन आप जिस तरह कर रहे हैं एक नेशनल कॉज को सर्व कर रहे हैं, जब ये जाएंगे लोग देखेंगे उनमें भी शुरू जाकर होगा कि हमने लॉ अबाइडिंग बनना है तो उससे जो और पार्टिसिपेट करना है हेल्दी एक्टिविटीज़ में एंड दे नीड टू यूथ नीड्स टू कंट्रीब्यूट इन द नेशनल कॉज एंड फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द कंट्री। तो ये बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, इनको एंगेज करने से हमारा पॉजिटिव इमेज भी प्रमोट हो रहा है, पीपल फ्रेंडली पुलिस का कॉन्सेप्ट लोगों में जा रहा है तो इसके बहुत अच्छे इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स इन द डेज टू कम आएंगे। क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर, महानूर किस शहर से हैं आप? मैं झेलम से। आप झेलम से हैं, ये आपकी पेंटिंग है? जी। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनाई है। इसका जो है मुझे मकसद बनाएंगी बनाने का, इसमें आप क्या पोर्ट्रे करवाना चाह रही हैं, क्या मैसेज दिया आपने लोगों को? मैंने इसमें ये मैसेज देना चाहिए कि ओवर स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा उसको हमें लो रखना चाहिए कि अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो फिर अगर हमारी स्पीड नॉर्मल होगी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो जाहिर सी बात है नुकसान ज़्यादा होगा। क्या नाम है आपका? असद इमरान। असद इमरान कहाँ से हैं आप? लाहौर से। लाहौर से हैं आप, ये आपकी पेंटिंग है? यस। इसमें क्या पैगाम दिया आपने लोगों को? मैंने ये पैगाम दिया कि वाइल्ड क्रॉसिंग द रोड यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अच्छा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हादसा भी हो सकता है। हादसा भी हो सकता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल ना करने से। तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो तमाम लोगों को जो है वो अप्लाई करनी चाहिए या कोई खास लोग हैं उनको? तमाम लोगों को अप्लाई करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? बस फिद्रीस। सॉरी, बस फिद्रीस। बस इदरीस। हाँ, बस इदरीस कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से। आप लाहौर से, ये पेंटिंग आपकी है? यस मेरी। मेरा ख्याल से ये जो रिबन है इसका मतलब है कि आपने जो है कोई इनाम भी जीता है। yes, आप प्राइज विनर हैं। यस, आई एम सेकंड प्राइज। ओह वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। इससे इस मैसेज इस पेंटिंग से क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप? मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ ये जो फ्रेम है ये लाइफ बॉर्डर्स हैं, जब हम इनको फॉलो नहीं करते तो फिर एक्सीडेंट्स क्रिएट होते हैं और ये ट्रैफिक रूल्स भी यहाँ शो करवाए हैं मैंने, जब हम ड्राइव करते हैं बेल्ट नहीं लगाते, फोन यूज करते हैं और मोस्टली ये ट्रैफिक रूल्स को थोड़ा सा मुझे आप एलैबोरेट कर सकती हैं कि इसका क्या मतलब है? ये हमने सेफ्टी बेल्ट जो लगानी होती है ये इसका शो कर रहे हैं। जी जी। और वाइल्ड ड्राइविंग और मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही हो गया। और ये जो बाइक चलाते हैं बाइक राइडर्स को हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। और दिस इज वन वे रोड।
अच्छा, कहने का मतलब है कि अगर ये जो है आप वन में जा रहे हैं, मतलब कि अलाउ नहीं है, ये भी जो है हादसा का बाइस बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपका? ठीक है। क्या नाम है आपका? हादिया आशिक। हादिया आशिक। हादिया आशिक। हादिया आशिक कहाँ से हैं आप? हम सियालकोट से हैं। आप सियालकोट से हैं। हादिया आशिक, ये जो पेंटिंग बनाई है और ये जो रिबन भी लगा हुआ है, मैं देख सकता हूँ, इससे पता लग रहा है कि आपने कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर जीता है। ये प्राइज़ होल्डर्स पे जो है ऐसे रिबन लगते हैं, तो इस पेंटिंग से क्या मैसेज दिया आपने लोगों को? जी, मैंने थीम लाया गुड इन्वायरमेंट का और बैड इन्वायरमेंट का। अभी रिसेंटली मैंने जो है ना बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो पोल्यूशन की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा थीम लाया जाए जिसकी वजह से लोगों को मैं बता सकूं कि जो पोल्यूशन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है, तो प्लीज़ इसको जो है ना परहेज करें और अपने माहौल को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो आपने पेंटिंग बनाई है, ये रिबन भी इस पर लगा हुआ है, इसे इंडिकेट हो रहा है कि कोई ना कोई प्राइस तो आपने लिया है इस पर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। और इस पेंटिंग से जो है आप क्या मैसेज पोर्ट्रे करना चाह रही हैं, ज़रा ये बताएं। ऐसे हमने थीम के ऊपर कवर किया, जिस लाइक इसके अंदर कुछ थीम्स हमें 3 थीम्स दी गई थी और मैंने सारों के अंदर काम करने की कोशिश की। इसके अंदर मैंने अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पिक्चर पुट अप की, फिर इसके अंदर मैंने पोल्यूशन का और जो ट्रैफिक अवेयरनेस है। अच्छा, और ये जो साइड है, ये साइड, ये पोल्यूटेड साइड आप शो कर रही हैं। पोल्यूटेड की है, यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, एक साइड पे सारे रूल्स फॉलो अप हो रहे हैं। जिसमें ये कन्वे किया गया कि हैप्पी लाइफ है एक साइड पे और एक साइड पे सैड लाइफ है, मतलब एक साइड के ऊपर प्रॉपर जो है कोई रूल फॉलो नहीं की जाए, एक साइड पे प्रॉपर रूल्स फॉलो की जा रहे हैं और वो हैप्पी लाइफ पे। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समन राणा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलमरा आर्ट्स काउंसिल। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो तमाम एग्जीबिशन है, ये जहाँ हो रहा था, ये कितना चैलेंजिंग था और इसकी आउटपुट से कितना सेटिस्फाइड है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैम बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मैम, ये जो पूरा एग्जीबिशन जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो पोर्ट्रे किया गया, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि आप इसको लीड कर रही हैं, हेड हैं, तमाम चीज़ें देखी होंगी आपने, और इसकी आउटपुट से आप कितनी सेटिस्फाइड है? आई थिंक बींग दी हेड ऑफ अलहमरा, मुझे तो आज इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेज। आई थिंक ये बहुत ही कामयाब पोस्टर एग्जीबिशन थी, बच्चों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़बरदस्त थी, और नॉट जस्ट फ्रॉम लाहौर बल्कि गुजरांवाला, सियालकोट, झेलम, इस्लामाबाद, बहावलपुर से भी बच्चे इसमें आए, पेरेंट्स के साथ पार्टिसिपेट किया। और आई थिंक जितने सेंसिटिव इशूज़ हैं उनके ऊपर अगर बच्चों में इक्वल सेंसिटिविटी को पाया जाना और उसका एग्जिबिट करना थ्रू आर्ट, ये बहुत ही खुश आइंद है। और अलहमरा वुड ऑलवेज़ वेलकम सच इनिशिएटिव्स, अगर गवर्नमेंट के और इदारे भी कभी भी चाहें, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू गो अबाउट दिस सोशल अवेयरनेस। थैंक यू वेरी मच मैम, सो नाइस। बहुत शुक्रिया।